हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस प्लस की सीरीज में आज फिर से पॉलिटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटी में मैंने आपको पार्ट 3 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, जो लोग यूपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा, क्योंकि अब कोई भी परीक्षा आपकी ये है, आप नहीं विभाजित कर सकते हो कि ये जो है छोटे लेवल का एग्जाम है या बड़े लेवल का। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें सारगर्भित जो है प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मैं उसी अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं, यानी आप अभी तक जैसे तथ्यात्मक चीजों को पढ़े हुए हैं तो तथ्यात्मक चीजों में कॉन्सेप्ट क्या है मैं उन चीजों पर जोर देता हूं। तो मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप यूपीपीएससी में प्रीलिम्स के लिए इस बार तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप सारी चीजों को यहां पढ़ते रहिए, आपको कुछ दिन के बाद आभास होगा कि हाँ, मुझमें कुछ जो है पॉजिटिव चीजें आई हैं, बदली हैं। तो इन सारे बदलावों पर जो हम लोग जीएस प्लस की सीरीज शुरू किए हैं, चाहे इतिहास आशीष सर के द्वारा हो, मेरे द्वारा पॉलिटी है, ऐसे अन्य सब्जेक्ट्स भी हम लोग लाएंगे, लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस के लिए फिर यह भटकाव नहीं होगा आपके जीवन में कि अच्छा भी हमने जीएस को कवर नहीं किया है। इसीलिए भैया बहुत अच्छे से पढ़ो, हम लोग सारी चीजों पर बहुत फोकस्ड होकर आपको लगातार कोशिश करते हैं कि बेस्ट अपना देते रहें। ठीक है, आपका काम क्या है कि आप स्वयं पढ़ते रहिए, इससे लाभान्वित हूं। आपके जितने हित मित्र हैं, ठीक है, उन सभी को यहां जोड़िए। जो भी पॉलिटी में एक और आपके पास फायदा है, हिस्ट्री में एक और फायदा है कि जो लेक्चर जिस दिन होते हैं, जैसे पॉलिटी मैंने इससे पहले 1100 प्रश्नों की सीरीज पार्ट वाइज हर एक पार्ट से 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, 1100 प्रश्न है, उसकी पीडीएफ भी है, उपलब्ध करवा दी गई है, और वो प्रश्न पूरी आपकी सीरीज पड़ी हुई है वीडियोस। तो जो मैं आपको पार्ट कवर करवा रहा हूं, इसी दिन कोशिश होती है कि मेरा लेक्चर चाहे 1 घंटे से ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं आपको एक पार्ट पूरा कंप्लीट कराता हूं। तो एक पार्ट यहां से पढ़िए आप, जैसे वीडियो से, उसके बाद आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पॉलिटी की जो एमसीक्यू है जिस पर हर एक पार्ट पर 50 क्वेश्चन है, उसको ओपन करिए। ठीक है, फिर उसको देखिए कि इससे बनने वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप में स्वयं से ऐसा लगेगा कि हाँ, हम बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं, जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो प्रश्न पत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, यह तैयारी की एक दिशा होती है। तैयारी में हमेशा एक चीज देख के चलना कि जो आप पढ़ रहे हो किसी भी चैनल पर, वहां पर आपको यह देखना है कि आप जिस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो उस परीक्षा में क्या उससे संबंधित बिंदुओं को पूछा जाता है या नहीं। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एक सफल आपको व्यक्ति बनने के लिए आपके जीवन में यह जरूरी है कि हमें किन मुद्दों को पढ़ना है, किन मुद्दों को छोड़ना है। तो टीम परीक्षा प्लस इस विषय को बहुत ही आपके लिए केंद्रित होकर चुनती है कि जो भी विषय हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस विषय में सारगर्भित चीजें क्या आती हैं, तथ्यात्मक चीजें क्या होती हैं, दोनों को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, इन सभी पर हमारा जोर होता है। इन्हीं के लिए हमने लॉन्च किया है 10+ कोर्स सीरीज, जिसमें सभी वीडियोज आपको निःशुल्क हैं। ठीक है, वीडियोज के लिए कोई भी पैसा नहीं है। अगर आपको हर एक वीडियोज की पीडीएफ चाहिए, क्विजेज चाहिए, तो आपको क्या करना है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है मात्र, और वो भी इतनी बड़ी राशि नहीं है कि जो आपको जो है बहुत ज्यादा लगे। 499 रुपए में ये एक सहयोग राशि है, जिससे कि हम भी अपनी हर एक चीजों को, भाई टाइपिंग होती है, कंटेंट जो है डेवलपर का काम होता है, तो उन सब के लिए भी कुछ चीजें हम करते रहे। जैसे हम आपके लिए वीडियोज कर रहे, ऐसे टीम में अन्य सदस्य हैं तो उनके लिए भी हम कुछ करते रहे। ठीक है, वो हमारे साथ काम कर रहे तो उनके लिए भी कुछ चीजें होते रहे। उसके लिए 499 3 महीने का प्लान है। ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने हम आपसे ले रहे, 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान दे रहे। इसको ले लीजिए, हर एक नोट्स मिल जाएगा, बहुत अच्छे फॉर्म में पीडीएफ होती है, प्रिंटेबल होती है, आप कहीं भी प्रिंट करा दे। 3 महीना जब पूरा होगा, जितना पढ़ाएंगे एक नोट्स बना के पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ देंगे कि आप उसको जा करके कि अच्छा, ये 100 पेज की 150 पेज की पीडीएफ है एक सब्जेक्ट की, आप प्रिंट करा लाए, मस्त होकर जीवन भर के लिए पढ़िए। उस नोट्स में आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन की कभी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जितने परिवर्तन संभव है सब कुछ यहाँ सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम आपको बताएंगे पार्ट 3 मौलिक जो है अधिकारों तक। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, सारे लेक्चर्स को आप जरूर देख ले एक बार। ठीक है, शुरुआत से बेस से लेकर मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बता रखी है। मतलब यहाँ के बाद आपको कभी यह नहीं सूझेगा कि अच्छा
कोई अन्य टीचर भी है उसका भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी चीजें आपके एग्जाम के व्यू से आपको एक सफल व्यक्ति की बनाने की दृष्टि से बहुत पर्याप्त है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको भारतीय संविधान में लेकर चलता हूं भाग 4 की ओर, पार्ट 4 की ओर, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं स्टेट के, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य को कुछ नीतियां बताई गई हैं, क्योंकि भारत अपने आप को एक क्या कल्याणकारी राज्य की ओर प्रेषित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी इसीलिए दिए गए हैं कि लोगों का भला कैसे कर सके हम लोग। अधिकार के बारे में मैंने व्यापक चर्चा की थी आपसे कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और आपके जो अधिकार होते राइट्स होते, ठीक, इन सभी का विभाजन कैसे कैसे है और इनका आकार किस रूप में दिया गया है, मतलब किन चीजों को अचीव करने के लिए। तो यहां जो आपका भाग 4 होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी राज्य की जो नीतियां होंगी उनको निर्देश दिया गया या निदेश दिया गया, निदेश या निर्देश कुछ भी आप समझ सकते हैं, यानी नीति निदेशक जो तत्व होते हैं इन तत्वों में राज्यों को किन किन आधारों पर अपने शासन को चलाना है इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। तो भाग 4 अपने यहां जो है, मैंने बताया था कि जो भाग 3 है या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, तो भाग 4 जो है यह अनुच्छेद आपका 36 से शुरुआत होती है। कहां से? आर्टिकल आपका 36 से इसका प्रारंभ होता है और 36 से लेकर आपको 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 51 तक इसका जो है पूरा वर्णन किया गया है अपने भारतीय संविधान में। दूसरी बात, किन जो है आधारों पर, जैसे मौलिक अधिकार रहा, किन्हीं ना किन्हीं देशों को हमने देखकर अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए वहां के देशों से सीख लेकर उनके संविधान में दिए गए अधिकारों को, उनके संविधान में शामिल तत्वों को देखकर हमने अपने संविधान में शामिल किया कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो आयरलैंड आपका देश है, आयरलैंड में यह चीजें आपकी बहुत व्यापक तौर पर दी हुई थी। ठीक है, आयरलैंड ने अपने देश के संविधान में नीति निदेशक तत्व को तरजीह दी थी, जगह दी थी। तो हमने जब देखा कि आयरलैंड में ऐसी चीज रही तो हमने भी भारतीय संविधान में इसको शामिल कर लिया। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो है, राज्यों की नीति कैसे होगी, इन नीतियों में आप अगर आप देखोगे तो राज्य हमेशा क्या, जैसे जो मानव जीवन, मतलब राज्य के जो निवासी हैं, मतलब पूरा जो भारत है, भारत के जो निवासी हैं, भारत में 28 जो आपके राज्य हैं, उन राज्यों में जो शासन है, यानी राज्यों का जो अपना शासन का प्रारूप है, जैसे केंद्र का अपना शासन है, ऐसे हर एक राज्य की सरकार है। राज्य सरकारों के लिए अपने यहाँ भाग 6 प्रावधान भी करता है, पूरी चीजें हैं उसके आगे, वो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो भाग 4 है जिसमें आयरलैंड से हमने नीतियों को देखा, आयरलैंड ने अपने राज्यों को लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं का जिक्र किया था, तो वैसे ही अपने यहां जब आप देखोगे तो राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं उनमें जब आप जो है प्रियम्बल को पढ़े थे तो प्रियम्बल में मैंने बताया था कि राज्यों को मतलब प्रियम्बल लाने के पीछे उद्देश्य ये रहा कि संविधान में हम किन किन चीजों को अचीव करेंगे। तो उन अचीवमेंट में हमारा एक ये भी जोर रहा कि हम राज्य को एक भारत को कैसा एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने की ओर जो है प्रयासरत रहेंगे और उस कल्याणकारी में लोगों के आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, सामाजिक, इन सारे हितों का ध्यान रखेंगे। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व रहे इसमें सारे ताने बाने को बुना गया है, यानी राज्य किन किन आधारों पर कार्य करेगा, राज्य अपने यहां समाज के विस्तार को लेकर क्या कार्य करेगा, लोगों के अर्थ से संबंधित कैसे कैसे कार्य करेगा, ठीक है, अन्य तमाम ऐसे रही लोगों के शासन को लेकर के कैसे कैसे कार्य करेगा, ठीक है, ग्राम पंचायतें वगैरह हो गई, इसी में गांधी जी के विचारों को भी लिया गया है, मतलब तमाम आपके अलग अलग दार्शनिक जो मत रहे उन सारे मतों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसका विभाजन ऐसा नहीं कि संविधान में उस अनुरूप विभाजित करके बताया गया, लेकिन जब हमें पढ़ना होता है तो हम देखते हैं कि अच्छा इस नीति को शामिल करने के पीछे किसकी जो है थ्योरी को लिया गया, किसके दर्शन को इसमें शामिल किया गया, किसकी सोच को यहाँ शामिल किया गया, तो उसी अनुरूप मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आजकल जो इसे पूछने का तरीका है वो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में दिए गए नीति निदेशक तत्वों में से गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है, ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो आपको अब अपने आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि हमने पढ़ लिया कि मौलिक जो है मूल कर्तव्य के
यहां से, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आपके आयरलैंड से लिए गए, तो हमारा काम खत्म नहीं। अब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब आप प्रश्न पत्र उठाओगे पिछले साल का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं पर मैं विधिवत चर्चा के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स में, यहां पर भी मैंने एक बात आपको बताई कि नाइन जो है आयरलैंड से हमने देखा कि उसने अपने स्टेट्स को ऐसी चीजें दी रखी थी, तो क्या भारत में ऐसा कोई प्रावधान ना जिनके आधारों पर नीति निदेशक तत्वों को लिया गया, कि सीधा सीधा हमने आयरलैंड को देखा और वहां से चुन लिया। उससे पहले आपको जाना होगा, मैंने 1928 की बात इससे पहले भी आपसे की थी, मैं वहीं आपको लेकर जो है चलता हूं। जो नीति निदेशक तत्व है इनका स्रोत मूल अधिकार की तरह 1928 के नेहरू प्रतिवेदन, यानी नेहरू जो रिपोर्ट थी, में खोज सकते हैं। अगर हम चाहें तो वहां पर देख सकते हैं 1945 में जो तेज बहादुर सप्रू का, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू का भी एक रिपोर्ट थी, प्रतिवेदन था। इसमें मूल अधिकारों को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। मूल अधिकार को दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक था आपका न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, यानी जो न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स किया जाए, लागू करवाया जाए। दूसरा था, ठीक है, एक न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय, दूसरे था अपरिवर्तनीय, यानी जिसको न्यायालय लागू ना करवा पाए। ऐसी चीजों में संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे, जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है, बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव ने भी यह सलाह दिया था कि व्यक्तियों के अधिकार को दो वर्गों में विभाजित किया जाए, ठीक है। वह जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सके, यानी जिन्हें न्यायालय लागू करवा सके, और वह जो न्यायालय द्वारा प्रवृत्त ना कराया जा सके। दो तरीके के अधिकारों की बात हुई। अब समझिए इनका जो विचार रहा बी.एन. राव का, इनके विचार में दूसरा वर्ग जो है, दूसरा जो इसमें कैटेगरी आएगी, ये राज्य के प्राधिकारियों के लिए, ठीक है, जो राज्य के अधिकारी हैं उनके लिए नैतिक उपदेश, यानी कैसे कैसे राज्य का शासन बेहतर किया जाए के रूप में था, ठीक है। उनका सुझाव प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमिटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, इन्होंने भी स्वीकार किया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप निदेशक तत्व अस्तित्व में आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका अस्तित्व में आया। निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बहुत गौर करिएगा इन शब्दों पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति है, ठीक है। मान लीजिए कभी आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा निदेशक तत्व की, ठीक है, उपलब्धि है या निदेशक तत्व का उद्देश्य है। अब उसमें आपको चार, मान लीजिए, पॉइंट बना के दे दिया, चार विकल्प दे दिया, वहां आपको अपना दिमाग लगाना है कि किसके किसके लिए है, ठीक है, समझ गए। निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार के संबंध को लेकर न्यायालय का कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो रहा है, इन निर्णयों से संबंधित हम बात कर लेते हैं। दोनों को मैंने एक साथ रखा है, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में कहीं ना कहीं क्या है, आपस में। मूल अधिकार क्या करते हैं, जो मौलिक अधिकारों में, मूल अधिकार में जिन तत्व जो है चीजों की बात की गई कि किसी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार दिए गए, तो नीति निदेशक तत्वों में उन अधिकारों को लेकर के राज्य को क्या करना चाहिए, ऐसे अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं को समझिए कैसे कैसे। पहला जो इसका मामला रहा, बहुत डिटेल में समझना, बहुत अच्छे से समझना, चीजों को बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला जो मामला रहा ये मद्रास राज बनाम जो है चंपाकम का रहा, जिनका पूरा नाम आपका चंपाकम द्वराय राजन बोलते हैं इनको। यह मामला सबसे पहले रहा कहां से, जो है मद्रास राज्य से। इस मामले में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते, यानी फंडामेंटल राइट पर अगर देखा जाए तो यह डोमिनेंस नहीं होंगे, डोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है, उस पर ये इनको ज्यादा बढ़त नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात क्या बोला गया, केरल शिक्षा विधेयक एक आया था, इसको याद रखिएगा। केरल शिक्षा विधेयक में न्यायालय ने बोला कि हालांकि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते, फिर भी अधिकारों की संभावनाओं और दायरे का निर्धारण करते समय न्यायालयों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों को पूरी तरह उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। यानी न्यायालय अगर कहीं पर ऐसे मुद्दे की सुनवाई कर रहा जिसमें बात व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की है, तो वहां ऐसा नहीं है कि न्यायालय राज्य के नीति निदेशक तत्वों को एकदम ध्यान में ही नहीं रखेगा, वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को गार्जियन के तौर पर देखेगा और सिर्फ एक पक्ष में निर्णय देगा,
वहां पर यह बोला गया कि जरूरी है यहां पर नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्वीकार करना चाहिए और जहां तक संभव हो दोनों को लागू करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, यह तो बात बनी कि न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी दी कि भाई दोनों चीजों को देखकर चलिए। बात आती है 25वें संविधान संशोधन 1971 की। बहुत बार इससे सवाल आया है, बहुत गौर करिएगा। 25वां जो संविधान संशोधन रहा 1971 द्वारा नीति निदेशक तत्वों के महत्व में वृद्धि हुई। ठीक है, यह पूछता है, क्योंकि इस पर ध्यान देना बहुत बार नहीं हो पाता, इस वजह से हम गलत भी कराते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न आए हुए हैं, 25वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 गा जोड़ा गया, ठीक है, 31C जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 39B या बा और 39C यानी सा को लागू करने के लिए लाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 14 या 19 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, इस निर्णय में 25वें संविधान संशोधन में ऐसा बोला गया कि अगर 31 गा जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 31 गा में, उसमें यह साफ तौर पर लिखा गया कि अगर 39B और 39C को लागू करने पर जो है लागू कराने के लिए कोई कानून आता है आपका, तो इस आधार पर उसको हम जो है अमान्य नहीं घोषित कर सकेंगे कि वह फंडामेंटल राइट का हनन करता है, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का हनन करता है, इस बात पर जोर दिया गया। 42वां जो आपका संविधान संशोधन रहा, इसमें अनुच्छेद 31 के दायरे को और अधिक विस्तृत किया गया। बहुत ध्यान से इन दोनों को समझना, ठीक है, ताकि सभी नीति निदेशक तत्वों को समाहित किया जा सके। और इसने सभी नीति निदेशकों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मूल अधिकारों पर अधिमान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, यहां से 14 और 19 जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, बहुत बड़े हैं। एक तो आपका समता का अधिकार, दूसरा हो गया ठीक है राइट टू एक्सप्रेशन, और इन सारी चीजों को जो बोलने एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इन पर अधिमान्यता प्रदान कर दी गई नीति निदेशक तत्वों को। ठीक है, इसके किसमें, जो आर्टिकल आपका 31 के अंतर्गत था, 31C के अंतर्गत एक तरीके से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती का मामला आप जानते हो बहुत अच्छे से। केशवानंद भारती बनाम जो भारत संघ का मामला रहा, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, नीति निदेशक आपके तत्व हैं और जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूछा हुआ है। ठीक है, कि किस ऐसे मामले में ऐसा बोला गया, तो एक दूसरे के सप्लीमेंट इनको बताया गया कि एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जाना है, और मूल अधिकार वह साधन है जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों में रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो टिप्पणी दी गई वो यह बोला गया कि नीति निदेशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है, संविधान किस लिए बना, ठीक है, क्या लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जाना है, हम ऐसा ऐसा करेंगे, और मूल अधिकार वह साधन है जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। समझ गए, दोनों में इतना अच्छा रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि नीति निदेशक तत्व एकदम अपोजिट है। ठीक है, दोनों में रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, जो ये आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला रहा, इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो आपका 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन रहा, जिसके द्वारा 31 गा में किया गया जो संशोधन है, यह असंवैधानिक है। किसमें, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता। बहुमत से निर्णय लिया गया कि संविधान की नींव भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन पर आधारित है, दोनों में बैलेंसिंग होनी चाहिए, अतः एक पर दूसरे को स्पष्ट महत्व प्रदान करना संवैधानिक सौहार्द को नष्ट करना है, यानी किसी को किसी पर डोमिनेंट नहीं होने देंगे, किसी पर किसी को हावी नहीं होने देंगे, इससे संवैधानिक सौहार्द नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, जो कि संविधान की मूल संरचना है। अगली चीज है, अगर भाई स्वयं से सोचिए, अगर नीति निदेशक तत्व इतने अपोजिट होते, राज्यों के पक्ष में इतने ज्यादा लिख दिए जाते, तो संविधान में उन्हें शामिल क्यों किया जाता, यह भी तो सोचना है। हमें सिर्फ यह चीज लेकर नहीं चल रही है। दूसरी बात, एक मामला था आपका अबू काबूर भाई
बनाम तमिलनाडु राज्य का, इस मामले में 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल बना था, ठीक है। इसने बोला कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि नीति निदेशक तत्व तो में जितनी बातें कहे उतनी लागू ही लागू हो, फिर भी न्यायालयों को नीति निदेशक तत्व तो और मूल अधिकारों के बीच में समन्वय स्थापित करने का वास्तविक प्रयास करना चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। दोनों के मध्य किसी भी प्रकार के संघर्ष से जहां तक संभव हो बचा जाए, ठीक है। मतलब जहां ऐसी बात आ जाए कि राज्य अड़ियाए, नहीं ये हमारे पॉलिसी के अंतर्गत है, ये हम पर डिपेंडेंट है, हम चाहेंगे तो लागू करेंगे, और कोई व्यक्ति यह बोलने लगे कि नहीं ये हमारे जो है नीति का दोहन है, हमारे फंडामेंटल अधिकार का जो है यह जो है पूरी तरीके से हमें नहीं मिल रहा, इसको लागू ही किया जाए, तो इसमें दोनों के बीच में एक संबंध जो है समन्वय जो है स्थापित किया जाता है, जिससे कि दोनों की बात बनी रहे, ठीक है। अगली बात को समझिए, एक उन्ना कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का मामला रहा, इसमें क्या हुआ, न्यायालय ने पुनः दोहराया, फिर से बोला कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक और सहायक है, ठीक है, याद रखना। और भाग 3 में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में की जानी चाहिए, ठीक है, जैसा हमारी प्रीएम्बल है और जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इनके संदर्भ में हमेशा भाग 3 की व्याख्या होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं निदेशक जो सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनके फीचर्स क्या क्या है, इसी को बहुत अच्छे से समझना, बहुत गौर से समझना, ठीक है, क्योंकि फीचर्स विशेषताएं, विशेषताओं में वह रीजन छुपा होता है कि उन्हें लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा, ठीक है। विशेषताओं में बहुत सारी आपको आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जिनका प्रयोग राज्य जो है अधिकतर करते हैं, इन्हीं चीजों को समझिए। एक चीज तो पहले दिमाग में यह डाल लो, ठीक है, कि जो आपके ये निदेशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव जो आपके प्रिंसिपल है, न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय इनको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता, ये वाद योग्य नहीं है कि इन पर आप जो है जाकर याचिका डाल के और एक केस बना दे, ऐसा नहीं है। फिर भी संवैधानिक मान्यता के विवरण में अदालत इसे देखता है, जहां संवैधानिक मान्यता की बात आ गई वहां अदालत नीति निदेशक सिद्धांत को अवश्य एक बार देखेगा, ठीक है, कि कहीं टकराव इसका तो नहीं आ रहा। दूसरी बात, निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य, यह प्रश्न बहुत बार आया है, ठीक है, निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ना कि पुलिस राज्य की। पुलिस राज्य देखो, जब अपने यहां अंग्रेज थे तो अंग्रेजों में क्या होती थी, यही पुलिस आप देख रहे हो कि आज पुलिस आपको कोरोना से बचाने के लिए हर चौराहे पर खड़ी है भैया, ठीक है, ना निकलो घर से बाहर, आपको संदेश दे रही है, तमाम चीजें करती है, आपको पुलिस कहीं चेकिंग लगी है, पुलिस ने हाथ दिया, आप जो है भाग रहे हो पुलिस से, गाड़ी मोड़ के आपने भाग गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, पुलिस पीछा कर रही थी, तो पुलिस आपको पहले पीटेगी नहीं, उठा के पुलिस आपको ले जाएगी हॉस्पिटल, आपको बचाएगी पहले, उसके बाद आप पर जो कुछ होगा मुकदमा वो दर्ज होगा। अब राज्य क्या है, अब राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य जो चाहे पुलिस से वो करवा डाले, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं, अब राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, ना कि पुलिस राज्य। पहले क्या होता था अंग्रेजों में, आप कुछ नहीं कर सकते थे, उनकी पुलिस जैसी चाहती थी वैसे जुल्म ढाती थी, ठीक है, पुलिस आई अटैक कर रही, पुलिस कहीं विचरण कर रही, गांव के गांव जला गई, ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं होती थी पुलिस वाले से बात कर ले, पीट के रख देता था, अब वो और पुलिस आपकी गई अलग। तो नीति निदेशक तत्वों में यही चीजें हैं कि आपकी जितनी चीजें हैं, अब पुलिस वाली बात मैंने बताई, मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको बताया था कि 5 तरीके की रिट होती हैं, उन रिटों में बहुत सारे ऐसी भी आपकी रिटें जारी होती है कि आपको पुलिस उठा ले जाए, पहले पुलिस उठा ले जाती थी, पता ही नहीं चलता था इंसान का, ठीक है, दरोगा जी ले गए तो दरोगा जी बंद कर देते थे, जबरदस्ती धाराएं लगा देते थे, बहुत सारी चीजें होती है, अभी भी कहीं कहीं खेल होता है, लेकिन अब वह चीजें नहीं रह गई हैं। निदेशक सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, ठीक है, इनको आप जबरदस्ती जो है लागू नहीं करवा सकते, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसको याद रखिएगा। इसको एक टर्म इसके लिए यह प्रयोग करते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, ये पूछता है कि निम्न में से कौन वाद योग्य नहीं है, वाद का मतलब कि इस पर मुकदमा आप नहीं ले जा सकते हो इन मामलों को लेकर के, ठीक है, न्यायालय में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो मैंने पहले ही बताया
किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के मार्गदर्शन के लिए नीति निदेशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया। निदेशक सिद्धांत यह बताते हैं कि राज्य नीतियों एवं कानूनों को बनाते समय इन्हें ध्यान में रखेगा, निदेशक तत्वों को, समझे। आगे बढ़ लेते हैं। आधुनिक जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, मॉडर्न अगर हम डेमोक्रेसीज में देखें, दुनिया के जितने भी ऐसे आपको देश मिलेंगे, वहां पर आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक विषयों में निदेशक सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो मेन आपका रोल निभाता वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। दशा और दिशा के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। दशा और दिशा मतलब किस दिशा में ये जाते और किस दशा को ये लाना चाह रहे, ठीक है, इन दोनों के आधार पर इनके तीन वर्गीकरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला होता है समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, यानी समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आपके जो है आपकी नीतियां हैं, राज्यों को कौन कौन से ऐसे निर्देश दिए गए कि राज्य ऐसे ऐसे कार्य करें जिनसे समाजवादी सिद्धांत व्यापक रूप से यहां फैले। कैसे यह सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है, मतलब उसके प्रकाश में है, इसको बढ़ावा देने के लिए है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, समझे। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको सामाजिक समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते, ये राज्य को निर्देश देता है क्या क्या, समाजवादी सिद्धांत में राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इनको समझ लो। पहली चीज तो जन स्वास्थ्य और लोगों के रहन सहन स्तर को उन्नत करना, अनुच्छेद 47 में ऐसा निर्देश दिया गया है राज्यों को, ठीक है, आर्टिकल 47 में। दूसरी बात सुरक्षित करना, क्या सुरक्षित करना इसको समझो, सभी नागरिकों के जीवन यापन का अधिकार है, ठीक है, अधिकार को सुरक्षित करना। ये समय लॉकडाउन है, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट फ्री में राशन पहुंचा रही, क्यों, क्योंकि वो यह निर्देश दिया गया है जीवन यापन को लेकर के, ठीक है। मान लीजिए उसकी कोई जो कार्य कर रहा था वह कार्य उसका बंद हो गया, तो जीवन यापन भाई जिंदगी जीनी चाहिए उसको, तो राज्य सरकार क्या कर रही, उसके खाने का प्रबंध करवा रही। दूसरी बात आम वस्तुओं का पदार्थ स्रोतों के तहत समान वितरण होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर चीनी की पैदावार हो रही है तो लिख दिया गया कि जो अमीर व्यक्ति हैं वो अमीर ही इस चीनी को खाएंगे। हर व्यक्ति के लिए समान रूप से हर एक वस्तुओं के स्रोत को उपलब्ध कराया जाए। तीसरा क्या है, धन एवं उत्पादनों के साधनों में एकरूपता होनी चाहिए, ठीक है, धन एवं उत्पादन के साधनों में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी रोजगार को करना चाह रहा है तो वह व्यक्ति उसको इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह अमीर वर्ग में शुरुआत से नहीं, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहां पर धन एवं उत्पादन के जो साधन है उसमें क्या है, एकरूपता है। अगली चीज क्या है, समान काम के लिए पुरुष व महिला को समान वेतन, यह समाजवादी सिद्धांत के लिए है, यानी चाहे पुरुष है चाहे महिला, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको आपको समान वेतन देना पड़ेगा। आप क्या देखते थे, पहले महिलाओं को जो है वेतन कम दिया जाता था पुरुषों की अपेक्षा, तो ये भी एक जो है सिद्धांत है। अगली चीज क्या है, कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं उपलब्धता, ठीक है, उपलब्ध कराकर बच्चों से बलात्श्रम कराने का विरोध, यह भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, बच्चों से आप जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हो। अगली चीज क्या है, बच्चों के विकास के अवसर उपलब्ध कराए राज्य, ये अनुच्छेद सब कुछ 39 में आपका वर्णित है, समझे। अगली चीज बेरोजगार जितने लोग हैं, वृद्ध जो है राज्य में, विकलांग हैं, इनको उचित शिक्षा अधिकार एवं जन सहयोग उपलब्ध कराना, यह अनुच्छेद 41 जो है राज्यों को निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है। अगली बात लोगों को के कल्याण को सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ असमानता को कम करते हुए प्रोत्साहित करना और अवसर उपलब्ध कराना, यह अनुच्छेद 38 आपका क्या करता है, राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य ऐसे ऐसे अवसरों को उपलब्ध करवाए, ठीक है। तो समाजवादी सिद्धांत में आपने देखा कि तमाम ऐसे प्रावधान राज्यों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि राज्य ऐसी ऐसी बातें करे जिससे कल्याणकारी राज्य, एक जो समाजवाद का सपना भारत देखकर चलता है, उस समाजवाद के लक्ष्य को हम हासिल कर सके। दूसरी बात आती है, मैंने बताया कि इसमें गांधी जी के कुछ विचार भी आपको शामिल दिखाई पड़ते हैं, उनको भी यहां शामिल किया गया है।
तो गांधीवादी सिद्धांत की उनको संज्ञा दी गई है। वह कौन कौन से हैं इनको समझ लो। ये जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, मतलब महात्मा गांधी जैसा सोचते थे उनकी विचारधारा पर है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं क्या क्या, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के उपभोग पर प्रतिबंध लगाएं, राज्य ऐसा करे स्वास्थ्य के लिए, अनुच्छेद 47 में इसका वर्णन है। ठीक है, 47 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनके कई पार्ट बनते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आर्टिकल 47 में। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, बहुत बार आया गांधीवादी सिद्धांत तो हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, यह आर्टिकल आपका 43 में है। अगली चीज, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, यह अनुच्छेद 40 में है। तो इन तीनों को सबसे ज्यादा यह आर्टिकल 40 वाला पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक गांधीवादी सिद्धांत है, या ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता, यह अनुच्छेद 40 है। अब नए निदेशक सिद्धांत को अगर हम देखें कि कौन कौन से अपने यहां, तो जो बैलिसामा संशोधन अधिनियम रहा 1976 का, 1976 का, इसमें निदेशक सिद्धांतों की मूल सूची में चार सिद्धांत और जोड़े गए, उनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है क्या। एक तो पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं वन्य जीवों की जो है इनको सुरक्षा कवच, ये अनुच्छेद 48 ये में प्रावधान किया गया। दूसरी बात, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं समान न्याय को प्रोत्साहन करना, यह भी आर्टिकल आपका 39A के अंतर्गत है। अगली चीज, उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों के बंटवारे को बढ़ावा एवं सुरक्षा देना, यह अनुच्छेद 43A के अंतर्गत लक्ष्य है। और चौथा जो है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, यह अनुच्छेद 39 में। इन प्रावधानों को याद रखना, बहुत बार आया है, हूबहू ऐसा सीधा सीधा पूछ लेता है कि 39A में किसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो इसका विभाजन है, जिसको हम उदार बौद्धिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, जो नमवादी है, उदार है, इसमें क्या है, लचीलापन है। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो स्वतंत्रता की विचारधारा से संबंधित है। समझे, ये राज्यों के क्या निर्देश देते कि राज्य लोक सेवा कार्यकारिणी से न्यायपालिका को विभक्त करेगा, अनुच्छेद 50। ये बहुत बार पूछा गया है कि न्यायपालिका का या जो है कार्यपालिका से पृथककरण किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 50 में। अगली चीज, राष्ट्रीय महत्व की घोषित धरोहरों एवं ऐतिहासिक महत्व और कलात्मक स्थाओं की सुरक्षा करेगा राज्य, ये अनुच्छेद 49 में उसको डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया। पशु चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप से संगठन करेगा राज्य, ये अनुच्छेद 48 बोलता। और सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता को जो है, ठीक है, कॉमन सिविल प्रोसीजर, हालांकि ये है नहीं अभी, के तहत पूरे देश में सुरक्षा दे, अनुच्छेद 44। ये बहुत बार पूछा गया है, जितने हैं सीधा सीधा इनसे आर्टिकल ही पूछा है डायरेक्ट, तो आर्टिकल 44 भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, समान नागरिक जो है एक तरीके से संहिता या समान सिविल संहिता बोल सकते हैं। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक को हमने इतने व्यापक से पढ़ा, मैंने यह भी बताया कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, उन्नीकृष्णन के मामले में भी बहुत सारी चीजें आई। अब मूल रूप से अंतर मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले, क्योंकि मेंस में ऐसा पूछता है, ठीक है, या प्रीलिम्स में आपसे पूछता है, जब डिटेल पेपर बनते हैं तो वहां पर आपसे ऐसा पूछेगा कि निम्न में से कौन मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतर नहीं है। तो पहले अंतर से शुरुआत करते हैं, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, जो फंडामेंटल राइट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। दूसरी बात, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, ये तो मूल है। अगली चीज जो मेन है, पहली चीज, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आपके हनन है तो उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हो। यह समाज की भलाई के लिए है, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, यह समाज की भलाई के लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट व्यक्ति की भलाई के लिए होता है। ठीक है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है फंडामेंटल राइट। दूसरी बात,
इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, फंडामेंटल राइट के पीछे, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। बहुत बड़ा अंतर हो गया दोनों में। अगली चीज, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, फंडामेंटल राइट ऑफ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन यह सरकार के महत्व को घटा देता है, फंडामेंटल राइट, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट के अपोज में कोई विधि बनी सरकार के द्वारा, तो वह विधि अनुच्छेद 13 आपका क्या बोलता है कि वह विधि बनते ही नंजीरो हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अगला जो अंतर है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। और जो सातवां है आपका अंतर फंडामेंटल राइट में, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, आप पैदा हुए तो उसी दिन से आपका अधिकार है, ठीक है। अगर बच्चे को बचा नहीं पाई सरकार तो सरकार फेल है फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि हमको जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म ले रहा तो जितने अधिकार बोले गए हैं वो अधिकार उसको मिलने ही चाहिए। इसीलिए गर्भ में किसी शिशु को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसको जिंदा रहने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार मिला है ना। वो शिशु चाहे एक महीने का है, दो महीने का है, तीन महीने का है, आप उसको मार नहीं सकते, समझे, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, उनको मैंने यहां पर लिख रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है, कौन से मामले में क्या रहा, कैसी कैसी चीजें रही, उन चीजों को मैंने जोड़ दिया है। चंपकम बनाम जो देसाई राजन 1951 का मामला रहा, कुरैसी बनाम बिहार राज्य रहा, बनाम कामेश्वर सिंह केशवानंद भारती का जो केस रहा 1973 का, ठीक है, केरल एजुकेशन दिल जो है जो मामला रहा, दिलसाद, आदि मुकदमों में नीति निदेशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई, ठीक है, इन सारे मामलों में सभी को मैंने इकट्ठा कर दिया है। दूसरी बात, इन मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि मूल अधिकार किसी भी विधायी या कार्यपालकीय आदेश से कम नहीं किए जा सकते, ठीक है, जो अनुच्छेद 13 भी आपको बहुत व्यापक मिलता। बैलिसामा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तुलना में वरीयता दी जाएगी, बैलिसामा संविधान संशोधन में। अगली चीज क्या हुई, मिनर्वा मिल बनाम भारत सरकार 1980 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बैलिसामा संविधान संशोधन के उक्त प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया। फंडामेंटल राइट पर इसने नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम हटो, ऐसे जो है संविधान की नीतियां हमें नहीं चाहिए, तो वो मामला ये आपका कैंसिल हो गया। इसमें इस वाद के निर्णय में न्यायालय ने दोनों के विषय में संतुलित एवं स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। फिर तेज बहादुर सप्री समिति भारतीय संविधान निर्माण के संबंध में विचार करने वाली पहली ऐसी समिति थी जिसने आयरलैंड के अनुकरण पर न्याय योग्य अधिकार तथा न्याय योग्य होने वाले अधिकारों अधिकार पर जो है विचार व्यक्त किए थे। जहां मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई, वहीं नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई। समझ गए दोनों में अंतर, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि निदेशक सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र है, ठीक है। तो बाकी चीजें संविधान संशोधन 24वां 25वां 29वां 34वां और बैलिसामा द्वारा निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता और वरीयता की स्थिति प्रदान की गई, लेकिन इन संवैधानिक संशोधनों द्वारा भी निदेशक तत्वों को न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीं की गई। मतलब इन पर केस नहीं कर सकते हो कि हमें भैया उत्तर प्रदेश की पुलिस गाली देती है, दिल्ली की पुलिस गाली नहीं देती है, ठीक, राज्य सरकार पुलिस को निर्देशित करे गाली ना दे, तो ये सारी चीजें क्या है, ये अनुच्छेद 38 जो है देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता, जिसमें आर्थिक असमानता न्यूनतम करने, शोषण से मुक्ति आदि जैसे प्रावधान है, परंतु इस दिशा में अभी बहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में एक समान नागरिक व्यवहार संहिता तैयार करने की सिफारिश करता, परंतु अभी मुसलमानों के लिए पृथक उत्तराधिकार विवाह, तलाक और अभिभावक संबंधी कानून है, मतलब मुस्लिमों पर यह लागू ही नहीं हो रहा, आर्टिकल 44 जिसकी मांग बहुत ज्यादा चल रही। अनुच्छेद 45 में देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए अवस्था जो है व्यवस्था की गई है, या ऐसा होना चाहिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस पर 42 वर्षों के बाद भी बहुत बड़ी आबादी निरक्षर बनी हुई है, यह सब भाई क्या है, ये राज्य सही से कार्य नहीं कर पाए, उनका लेखा जोखा है, ठीक है। इन सारी चीजों को मैंने यहां बहुत अच्छे से पूरी चीजें बता दी है कि क्या चीजें कैसे होनी चाहिए और क्या कुछ नहीं हो पाया।
राज्य के निधि निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। भारतीय संविधान में निदेशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बता दूं और जो जरूरी है, यहां पर मैंने पूरे जो है उनको लिख दिया है कि राज्य के निदेशक तत्व आप कैसे कैसे पढ़ोगे, किस अनुच्छेद में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो तीन विभाजन यहां मैंने कर दिया है कि राज्य के आदर्श के रूप में राज्यों को निर्देश कौन कौन से अनुच्छेद आपके देते हैं। दूसरा मैंने यहां कर दिया है कि राज्यों के नीति निर्माण के लिए राज्यों को कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा विभाजन कर दिया है कि नागरिकों के ऐसे सभी अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं है, इन तीनों को मैंने पूरी चीजें क्या कर दी है, अलग से विभाजित कर दी है, जिनको मैंने पूरा इसमें बना दिया है। आपको पीडीएफ में ये चीजें मिल जाएंगी, इनके बारे में हालांकि मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा आपका ताना बना नीति निदेशक सिद्धांतों का रहा, जिसको आपने बहुत व्यापक तौर पर समझा है। अब इसको आपने बहुत ढंग से पढ़ लिया है, तो अब आप एक चीज निश्चित हो सकते हैं कि इससे बाहर इसमें कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं तो टॉपिक बहुत आसान सा है, बहुत बझाने वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मस्त होकर पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।